अपने मन की बात बोले नहीं आए हैं, हम आपका ऑर्डर सुनने आए हैं। अब ये माताएं बहने बैठी है, मैंने आपसे पहले ही बोला देखिए, न्याय योजना का पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, मगर न्याय योजना सिर्फ गरीबों की मदद करने की योजना नहीं है। इसके पीछे दो सोच, एक सोच गरीबों की मदद करने की, मगर दूसरी सोच और उतनी ही बड़ी सोच हिंदुस्तान की मदद करने की। अब मैं आपको समझाता हूं, और माताएं बहने आप ये बात, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, जैसे ही उन्होंने आपके घर से पैसा निकाला, अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में डाला, वैसे ही आपके परिवार ने माल खरीदना बंद किया। पहले आप शर्ट पैंट साड़ी टूथपेस्ट टूथब्रश ये सब खरीदती थी, सेलफोन ये सब खरीदती थी। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने आपको बैंक के सामने खड़ा किया, जैसे ही उन्होंने पैसा छीना, आपके परिवार ने, भिवानी के युवाओं ने, किसानों ने माल खरीदना बंद किया। जैसे ही माल बिकना बंद हुआ, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों के मालिकों ने युवाओं को बुलाया, कहा देखिए अब आपको घर जाना पड़ेगा, बेरोजगारी आएगी, फैक्ट्री में काम नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे कोई खरीद नहीं रहा, दुकानों में कुछ बिक नहीं रहा है, आपकी अब फैक्ट्री में कोई जरूरत नहीं, अब आप वापस जाइए। और हिंदुस्तान के युवा बेरोजगार, एक नहीं, सौ नहीं, करोड़ों युवा, नरेंद्र मोदी ने गब्बर सिंह टैक्स और नोटबंदी के माध्यम से करोड़ों युवाओं को बेरोजगार। ये मैनिफेस्टो में लिखे कितने लोग, देखिए कितने लोग, देखिए कितने लोग, ये हमारे लिए हिंदुस्तान, ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की आवाज़ है। इसको आप खोलिए, इसमें किसानों की आवाज़ है, युवाओं की आवाज़ है, बेरोजगार लोगों की आवाज़ है, गरीबों की है, माताओं बहनों की है, इन सब लोगों की आवाज़ है। नरेंद्र मोदी जी के मैनिफेस्टो में एक फोटो नरेंद्र मोदी है, उसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी का विजन है। ये जो विजन है, इसके सामने नरेंद्र मोदी खड़े हो, दुनिया में कोई खड़ा नहीं हो सकता है। इसमें इतनी शक्ति है, हिंदुस्तान की आवाज में इतनी शक्ति है, अरे भाई दोनों सुपर पावर, तीनों सुपर पावर खड़े हो जाएं, हिंदुस्तान के सामने नहीं खड़े टिक सकते। हमने दिखाया है देश दुनिया को, पहले सुपर पावर हुआ करता था इंग्लैंड, ये इस आवाज ने उस सुपर पावर को वापस भेज दिया था। तो ये शक्ति है, इसके सामने नरेंद्र मोदी कभी नहीं टिक सकता। चौकीदार मैं भी कहता हूँ कि देखिए, अगर कोई भी देश, कोई भी शक्ति ये सोचती है कि वो हिंदुस्तान के लोगों को मार सकती है, हिंदुस्तान वापस मारेगा, 100% वापस मारेगा। अगर अलग अलग दुश्मन, एक दुश्मन बेरोजगारी, एक दुश्मन गरीब, एक दुश्मन जो नेशनलिज्म का आइडिया है, वो सब है, मगर नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी सेना के पीछे चल रहे हैं। उनके एक व्यक्ति ने कहा, मोदी जी से इससे बड़ा अपमान भिवानी की जनता, हमारे सोल्जर्स, हमारे एयरफोर्स के लोग, हमारे नेवी के लोगों का हो सकता है, जब हमारा हिंदुस्तान के लिए, सेना हिंदुस्तान की, सेना नरेंद्र मोदी की कभी नहीं हो सकती। और नरेंद्र मोदी ने सेना का राजनीतिक प्रयोग, जब पुलवामा, मैंने सीधा बोला, कांग्रेस पार्टी शहीदों का प्रयोग नहीं करेगी, कांग्रेस पार्टी पूरा का पूरा सपोर्ट
सरकार को सेना को दे, तो बिल्कुल नेशनलिज्म नेशनलिज्म, मगर सेना का राजनीतिक प्रयोग करना, सेना का अपमान। जब सेना सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ने सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, कांग्रेस पार्टी ने कहा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सेना ने 6 सर्जिकल स्ट्राइक किया, प्रधानमंत्री कहते हो वो वीडियो आप डिसाइड कीजिए, सेना वीडियो गेम खेल रही थी क्या? आपका फायदा नहीं हुआ, पर्सनल फायदा नहीं हुआ, तो सेना वीडियो गेम खेल रही। अपमान करते हैं ये, हिंदुस्तान का अपमान करते हैं, क्योंकि क्योंकि फ्रेंकली घमंड घुस गया। नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं मैं हिंदुस्तान मेरे में है, नहीं। नरेंद्र मोदी जी आप हिंदुस्तान नहीं है, आप हिंदुस्तान के छोटे से पीस हैं, मैं हिंदुस्तान का छोटा पीस हूँ, करोड़ों लोगों का मैं इसमें एक हूँ, आप हिंदुस्तान नहीं है, गलती से भी मत सोचिए, हिंदुस्तान की जनता अब आपको समझाने जा रही है कि आप हिंदुस्तान नहीं हो और कभी नहीं हो सकते हो। यह है कि आपने आत्मविश्वास के